लाइट लगा दे एक दो। ये है हुरडा। हुरडा का मतलब ये है कि ज्वार, सोइंग के बाद जब ज्वार निकलना शुरू होता है जो ग्रीन कलर में होता है उसका है ये। तो जब ज्वार तैयार हो जाता है तो इसमें से ही निकलता है आपका, बट ये ज्वार पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसको हम भून के नमक डाल के चाय के साथ खा सकते हैं। ये कौन से सीज़न में होता है? ये ठंडियों के सीज़न नवंबर दिसंबर में ही होता है। चलिए अब इसको रोस्ट करेंगे। अब इसको रोस्ट करके इसको ऐसे डंडे से मारते हैं तब ऐसा एक एक दाना निकल के आ जाता है आपको। तो इसी को जब सब लोग साथ बैठ के खाते हैं इसको हुरडा पार्टी बोलते हैं। बेसिकली विंटर्स का टाइम है ना, जैसे नवंबर के आसपास इसका हार्वेस्ट हो जाता है, दिवाली के जस्ट पोस्ट दिवाली। तो आपका हार्वेस्ट हो गया तो साथ मिलके इसकी पार्टी भी होगी। तो ये टेंडर ज्वार है जिसे कि आग पे भुना जा रहा है। अब ये जैसे सब निकल गया ज्वार, अब दोबारा भूनेंगे इसको, तवा पे डालेंगे, नमक में डालेंगे। ये है रोस्टेड ज्वार जिसको अंग्रेजी में शोरगम कहते हैं और यहाँ पे हुरडा कहते हैं। विंटर्स के महीने में महाराष्ट्र में लोग इसे भून के खाते हैं। पहले इसको भून लिया गया, उसके बाद ज्वार को निकाल लिया गया, फिर तवे पे रख के हल्का सा और पैन रोस्ट किया और उसके बाद नमक के साथ इसे खाया जाता है। आइए इसका जायका लिया जाए। इसके काफ़ी सारे स्नैक्स बनाए जाते हैं इस हुरडा के। माइल्ड स्वीटनेस है इसमें, अच्छा एक नटी टेक्सचर भी है इसका, जिस तरह से मक्का होता है कॉर्न बिल्कुल उससे मिलता जुलता जायका है। काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है ये। तो विंटर्स के महीने में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे जगह जगह हुरडा पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, हुरडा के अलग अलग स्नैक्स बनाए जाते हैं और बड़े चाव के साथ यहाँ के स्थानीय लोग इसका लुत्फ़ उठाते हैं। ये सुपारी का कटा हुआ सुपारी है। सुपारी कटी हुई है। अरे तंबाकू कौन सा 120 होता है, कौन सा 108। ये भी नागपुर से आती है ब्रांड मशीन, मोटर होती है इसके अंदर। अच्छा कौन की मोटर होती है? हाथ से घुटने में काफ़ी दिक्कत जाती है ना, उम्र के हिसाब से बहुत लॉन्ग टाइम धंधा किए तो होता भी नहीं हाथ से। कुछ लोगों ने कुछ तभी अपना दिमाग चला, एक मशीन का आविष्कार किया, आविष्कार कर दिए। तो आगे पीछे मसलना चालू हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट लेवल इन्वेंशन है। हो गया मिक्सिंग। अगर इसको और सही तरह से बनाना है तो इसको 2 मिनट के लिए सुखा के रखना है, फिर सेकंड मारना है तो पूरा तैयार हो जाए। अच्छा कैसे? इसमें
चूना थोड़ा सा गीला सा होता है। हाँ, सोडा मिलाते हैं ना थोड़ा। वैसे तो देखा जाए तो आप ऐसा भी देख सकते हैं इसे। ये है विदर्भ का खर्रा। जिस तरह से राजकोट में लोग मावा खाते हैं, ठीक उसी तरह से विदर्भ में खर्रा चलता है। बनाने की प्रक्रिया में एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि राजकोट में सुपारी को कतरन होता है, यहाँ सुपारी के टुकड़े होते हैं, उसके बाद तंबाकू 108 नंबर और चूना, इन तीनों मिला के एक नेक्स्ट लेवल इन्वेंशन है, मशीन है, उस पर रखते हैं और मशीन में घिसता है और उसके बाद मिक्सिंग होती है, उसके बाद तैयार होता है खर्रा। बाकी जगहों पे मैं देखा है हाथ से रगड़ते हैं, मतलब अपने पाम से रगड़ा जाता है हथेली से, बट यहाँ पे मशीन है तो वो काम भी आसान हो गया। सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, बट हाँ यहाँ के खान पान का एक हिस्सा है। बस थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो श्रवण सर, दिन में हमने एक्सप्लोर किया बंजारा क्यूजीन जी, अभी क्या खाने वाले हैं? अभी हम सिंपल मराठी कंफर्टेबल खाना होता है वो खाने वाले हैं। वो है पिटला, भाकरी, भात और कड़ी। तो आप बता रहे थे इस तेल के बारे में, ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है? ये कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल है। ग्राउंडनट ऑयल है। तो प्रीति अभी ये डालो राई, जीरा, थोड़ा सा अदरक लहसुन, टमाटर, अभी टमाटर, ये स्प्रिंग अनियन है, वो पालक है, हरा प्याज और पालक। पूरा टमाटर पकने के बाद इसमें मिर्ची मिर्ची और बेसन डाल के पानी डाल के उसको चलाते रहेंगे, लम्स ना फॉर्म हो वो चलाते रहते हैं। तो कड़ी टाइप बनता है क्या? कड़ी टाइप नहीं, उतना पतला भी नहीं है और जितना आपने ये पाटोड़ी का है उतना हार्ड भी नहीं बनता, और मीडियम कंसिस्टेंसी में बनता है। ये मिर्ची है, कुटा हुआ मिर्ची। इसमें कुछ मिलाया भी है साथ में? नहीं नहीं, सिर्फ मिर्ची है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, हल्दी, ये हल्दी मिर्च, जो भी हमारे घर पे जो भी लाल मिर्च यूज़ होता है, हल्दी यूज़ होता है, ये सारे कारम हमारे खेत के और कारम फूड के। अभी बेसन डालेंगे, पानी डालेंगे। हाँ पानी डाल, बेसन को पकना है इसलिए पानी डाल। अच्छा पहले बेसन को भूनेंगे? हाँ, महाराष्ट्रियन खाने में बेसन मेजर रोल प्ले करता है। हाँ, कड़ी पटोरी पिटल पिटला पिटला पिटला। तो अभी ये बन गया, तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया, जो कोतमीर बोलते हैं यहाँ पे, वो डाल के गार्निश करके इसको बंद कर देंगे, रेडी टू ईट। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन खड़ी, कड़ी कड़ी, ये दही
बेसन और बेसिक मसालों से बनता है। ये दही है, इसको आप फेंट के लाए हैं। ये वही मूंगफली का तेल, ये बेसन का, इतना ही बेसन बस बस, इतना कम बेसन जाता है इतना सा। ये हरी मिर्च है, कुटा हुआ हरी मिर्च। अब वो दही में थोड़ा सा हल्दी मिला देते हैं और नमक जी, लहसुन थोड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो। अब उसको इस चौके में डालते हैं। मतलब बेंचमार्क ये है कि जब तक वो पीला ना हो तब तक आप घुमाते रहिए। बेसन का मतलब बहुत कम होता है, मतलब दो चम्मच डाला है आपने। हाँ, हाँ, बस हाँ? जो कड़ कड़ के बने वो है कड़ी, वैसे तो काढ़ा जा रहा है अब। हाँ, कलर बदला, अब थोड़ा पीला हुआ। ये धनिया पत्ती, यहाँ पे बनाया जा रहा है भाकरी, जो कि ज्वार के आटे से बनाया जा रहा है। वो बाजरा से ही बनता है, रागी से ही बनता है, चावल के आटे से ही बनाया जाता है। तो मोस्टली होता है कि जो कोर्स ग्रेन्स हैं या फिर मिलेट्स हुआ, उनसे भाकरी बनती है। अच्छा, ये हाथ से ही करेंगे, उससे नहीं बेलते नहीं है, टूट जाता है बेलने से। ज्वार को अंग्रेजी में शोरगम कहते हैं। जो ज्वार का आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री आटा होता है। और इसके बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो इसको गर्म पानी में गुथा जाता है और उसके बाद हाथ से ही फैलाकर तवे पे सेकते हैं। तो मिर्ची का छिछा बना रहे हैं, तेल, जीरा, लहसुन, मिर्ची, फिर कॉम्बिनेशन है ज्वार की रोटी के साथ खिचा का। पिठला, कड़ी, रोटी, ठेचा और हरा प्याज। जो ये पिठला है वो महाराष्ट्रियन क्यूजीन का एक कंफर्ट फूड है, सोल फूड है। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है और बिल्कुल मलाई की तरह। और बीच बीच में आपको पालक और जो हरा प्याज है उसके पत्ते का भी अच्छा जायका आ रहा है। और जो मस्टर्ड सीड्स डाली हुई है उसका भी क्रंचीनेस है, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी है। ये ज्वारी रोटी है। सिंपल होम कुक्ड फूड इज ऑलवेज द बेस्ट फूड, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो कड़ी बनाई जाती है उसका हर एक क्षेत्र में बनाने का तरीका, इंग्रेडिएंट्स और स्वाद बदलता चला जाता है। ये जो कड़ी महाराष्ट्रियन कड़ी है ये उतनी ज़्यादा खट्टी नहीं है, प्लस पतली है। तो पिठला खाकर आपको कैसा लग रहा है? आत्मतृप्ति। और आपने तो ठेचा भी लिया हुआ है। हाँ, तो
थोड़ा स्पाइसी लगेगा मुझे तो मालूम है कि आपको स्पाइसी सूट नहीं करता, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा मैं टेस्ट किया जो महाराष्ट्र का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ठेचे का नाम ही आता है। अभी रिसेंटली जब हम इवेंट्स करने गए हैं वहाँ पे भी लोग आके पूछे थे कि आपके पास ठेचा है क्या। ठेचा इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रिज में रखे तो इसका लाइफ होगा 3 से 4 दिन, उसके बाद इसका फ्लेवर निकल जाता है, तो फ्रेश खाना चाहिए। मैं बताऊँ महाराष्ट्रियन क्यूजीन में मैंने काफ़ी चीज़ें खाई हैं, लेकिन अभी तक का जो मेरा फेवरेट डिश रहा है वो पिठला है, मुझे बहुत पसंद आया है। एंड ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ऐसा लग रहा है मलाई की सब्जी खा रहे हैं। मैं आधा रोटी और लूँ जी। कई जगह जहाँ पे बाहर हम जब रोड ट्रिप्स कर रहे थे वहाँ पे महाराष्ट्र के ही होटल्स और ढाबे में भी आपको पिठला भाकर, झटका भाकर मिलता है, लेकिन उस भाकर और घर के भाकर में मेरे को यही फ़र्क पता चला, उस भाकर में या तो आटा नहीं तो मैदा मिला देते हैं वो सॉफ्टनेस आने के लिए। वो टेस्ट में पता चल जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, क्योंकि ये एकदम ब्लैंड टेस्ट मिलता है आपको, उसमें थोड़ा स्वीटनेस आ जाता है अगर उसमें कुछ मिलाया गया है, आटा या मैदा जब मिलाते हैं ना उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाता है। ये एकदम ब्लैंड होता है, फ्लेवरलेस होता है, बट दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। मज़ा आ गया सर, ये जो भोजन है वो शुद्ध है, पौष्टिक है और स्वादिष्ट है। पहले गर्म पानी करना पड़ेगा, जो चिलवा के लिए जो घोल बनेगा उसमें थोड़ा सा अब ये गुड़ डालेंगे। अब चिलवा बना रहे हैं जिसमें ये जो घोल बनाया गया है वो गुड़ का और पानी का है, इसमें गेहूं का आटा डाल रहे हैं। ये घी डाल दिया, कलर भी काफी अच्छा है, तो इसमें अभी जो आटा डाला है ना, गेहूं का आटा है जो गलवाने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए चाहिए, ये इसको थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। ये जो इसने मसाला पीस के रखा है, इसका काली मिरी, सौंठ, इलायची, अभी ये आटा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें दूध जाएगा और इसे चलाते रहना पड़ता है ताकि फट ना जाए, लम्स ना बने उसमें। अभी इसमें जाएगा नारियल का कुट जो खींच के रखा है उसको, ये जो डेलिकेसी बनाई जा रही है इसका नाम गलवानी है, और ये जो डिश है मुझे याद दिलाती है गोवा में जो हमने एक स्पाइस्ड मिल्क ड्रिंक किया था इसका नाम था कसाई, उससे, या फिर गुजरात की बासुंदी से। एक ही तरह की मिठाइयाँ हैं जो दूध से तैयार की जाती है, दूध को गाढ़ा करके बनाते हैं, इसमें घी है,
उसके बाद इसमें शक्कर है, इसमें मसाले हैं जिसमें कि आपका सौंठ हो गया, सूखी अदरक जिसको बोलते हैं, काली मिर्च हो गया, इलायची है, और उसके बाद कसा हुआ नारियल है इसमें। ये सारी चीज़ें मिलके बनाया है, हा? और ये भी आपको घरों पर ही मिलेगा खाने को, मतलब बाहर बाज़ारों में खाने को नहीं मिलेगा। चिलवा, रोटी, आलू की सब्जी, गलवाणी और लहसुन का ठेचा। शुरू करते हैं, पहले चिलवा से करते हैं। ये जो चिलवा है, मुझे उत्तराखंड में कौसानी में हमने एक डिश खाई थी, इसको बोलते हैं छोई रोटी। अच्छा, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। अच्छा जी, तो इसका वो किससे बनती है? वही सेम गुड़ और आटा। अच्छा, इसमें मिलाया खाना है? ये एक तो कॉम्बिनेशन है, चिलवा और गलवाणी। क्या बात, जैसे आप पूरन पोली और दूध, घी वाली दूध के साथ खाते हैं पूरन पोली को, वैसे ही चिलवा और गलवाणी। ये अच्छा है कि गलवाणी को ज़्यादा मीठा रखा नहीं गया, ये हल्का मीठा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिलवा में गुड़ मिला के बनाया गया है, तो बैलेंस हो जाता है दोनों। मेरा जो अनुभव रहा आपके यहाँ पे दो दिनों का, इतनी सारी डिशेस खाने को मिली, इतना कुछ सीखने को मिला, और इतना कुछ जो भी हमने बनते हुए देखा कि कैसे रीजनल आपका जो भी लोकल प्रोड्यूस है, जो चीज़ लोकली यहाँ पर उपजाई जाती हैं, उसको कैसे बनाते हैं, स्पाइस मिक्स जो आप लोग कारम फूड में बना रहे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करके अपने फ्लेवर्स को और इन्हांस कर सकते हैं, साथ में जो ग्रेवी बनती है उसका बेस कैसे बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा माय लर्निंग। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रेस्टोरों में कहीं खाई नहीं ना सुना है, जैसे गलवानी और शिलवा कहीं नहीं मिलता है आपको। झुमका बाकर मिल जाता है, लेकिन आपका पटोरी मिल जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए अभी यूनिक डिश है जो खा रहे हैं, और जो वो भी मिलता है जो बाज़ारों में मिलता है, और घरों में जो बनाया खिलाया है आपने, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, वी आर रियली ग्लैड टू हियर ऑल दिस फीडबैक, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू ऑल आर टीम एंड शेफ्स, द एक्सपीरियंस शेफ्स, राइट। इन्होंने सालों से अपने घरों में ये बनते हुए देखते आया, एंड उस चीज़ को सीख कर, उसी चीज़ को रेप्लिकेट करके आज किसी को खिलाया एंड उनको पसंद आया, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो वी आर श्योर कि हम हमारे कारम फूड्स में जो जितने भी मसाले लेके आए हैं, वी ब्रॉट इट विद द कॉन्फिडेंस दैट पीपल विल लाइक इट, एंड आज आपके फीडबैक से वो साबित हो रहा है कि जो भी मसाले हमने लॉन्च किया है वो परफेक्ट हेयरलूम डिस्प्ले। बिल्कुल, मतलब जो चिकन खाया आप देखिए क्या ज़बरदस्त बना था, मतलब नॉन वेजिटेरियन में टॉप पे चिकन रहा, और वेजिटेरियन में तो जो हमने सिंपल डिश घर की बनी हुई चीज़ें खाई है वो सभी अच्छी थी। कारम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ माय मदर्स नेम एंड माय मदर इन लॉस नेम, राइट। माय मदर इन लॉस नेम इज कल्पना, सो का इज टेकन फ्रॉम कल्पना, एंड माय मदर्स नेम इज रमणा, एंड राम इज टेकन फ्रॉम रमणा, दैट मेक्स कारम। सो एक्चुअली इट मेक्स करम, बट वी वॉन्ट टू मैच इट विथ द डिश और द रेसिपीज दैट वी आर ब्रिंगिंग इन टू द मार्केट। So we are bringing my spices, masalas, and many more lost recipes. That's the reason we made it karam, which means spice in many of the languages. Karam actually means spicy or spice in four southern languages. Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam. In all these four languages, karam means spice, tikka, mirchi. जो लाल मिर्च पाउडर हम यूज़ करते हैं इन जेनरिक लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं, लाल मिर्च डालो, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दो, हम बोलते हैं
तेलुगु में बोलते कारम डाल दो, और यहाँ चटनी डाल दो, चटनी डाल दो, मराठी में चटनी डाल दो, राइट। एंड जब भी कुछ खा रहे हम जो तीखा खा रहे हैं, अरे तीखा तीखा लग रही है, बहुत तीखा है, तो हम बोलते हैं अरे खारम 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 गा उंदी, उंदी मतलब है, तो खारम गा उंदी तो तीखा है। सो कारम रेजोनेट्स विद ऑल दिस लैंग्वेजेस एंड मैनी। नाम रखा था तो पहले इसका नाम रखा था कि दोनों का नाम जोड़ के रखा, कॉम्बिनेशन हो गया एंड कॉम्बिनेशन हुआ तो देन ही रियलाइज दैट कारम आल्सो मींस स्पाइसी। नहीं सर, थैंक यू आपका, आपकी पूरी कारम एग्रो टीम का और साथ में आपके पूरे परिवार का, जिन्होंने इतने अच्छे से हमारी मेहमान नवाजी की और इतने उम्दा डिशेस हमें पका के खिलाए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू अनुभव, आपको और आपकी टीम को, दैट यू केम ऑल द वे ऑन आर रिक्वेस्ट एंड आपने इतने सारे डिशेस ट्राई किए हमारे साथ, एंड आपने ये जाना कि व्हाट इज़ आर प्रोडक्ट, हम न्यू ब्रांड है इन द मार्केट, व्हाट इज़ आर प्रोडक्ट एंड हाउ वी मेक इट, उसका फ्लेवर क्या है, ये आपने खुद जाना है एंड लोगों को भी बताया है। वी आर रियली हैप्पी एंड वी वुड लव टू होस्ट यू मोर। थैंक्स।